हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, मास ट्रांसफर तो आप पढ़ ही रहे होंगे, और मास ट्रांसफर में डिफ्यूजन और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, इन दोनों को भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो गाइस, इन दोनों को जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? केसी और डीएबी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब इन दोनों के डिफरेंस की बात आती है, तो बच्चे यूनिट तक सिमट के रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर, डिफ्यूजिविटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। थोड़ा और उन्हें पुश करते हैं बच्चों को, तो वो बोलते हैं सर, डिफ्यूजिविटी यूज होती है मोलिकुलर डिफ्यूजन के लिए, और मास ट्रांसफर कोफिशिएंट यूज होता है कन्वेक्शन के लिए या बल्क मोशन के लिए। ठीक है जी, और अगर उन्हें पुश करे तो इसके बाद वो कुछ नहीं बता पाते। बट गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डिफरेंस, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी, के बेसिक डिफरेंस नहीं है। मतलब आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए या गेट में ऐसा क्वेश्चन आए, तो दीज टू आर नॉट द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि सर, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है क्या? तो गाइज, मैं आपको आज बताता हूं इस सेशन में, इस वीडियो में, कि इन दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। तो डिफ्यूजिविटी जो होती है ना, डीएबी, वो फिक्स ने डिफाइन की थी, फिक्स लॉ में। मतलब जब फिक्स ने अपना लॉ डिफाइन किया अपने रिसर्च पेपर के अंदर, तब उसने डीएबी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी दुनिया के सामने। तो डीएबी इज ए क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय द फिक्स इन हिज रिसर्च पेपर, और इसीलिए डीएबी को, डिफ्यूजिविटी को, एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी बोला जाता है। इन ओरिजिन, मतलब उसका जो ओरिजिन है वो थ्योरेटिकल है। जबकि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के साथ ऐसा नहीं था, उसे कोई फिक्स नहीं मिला। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की उत्पत्ति या ओरिजिन या उदय कैसा हुआ, मैं आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि जैसे ही हम कंसंट्रेशन डिफरेंस या मोल फ्रैक्शन डिफरेंस या पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बढ़ाते हैं, तो फ्लक्स बढ़ जाता है। जैसे हम कम करते हैं तो फ्लक्स कम हो जाता है। मतलब फ्लक्स और ड्राइविंग फोर्स का जो रेशियो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेम आ रहा था। डिफरेंट ट्रायल्स हमने किए, हर ट्रायल के लिए वो रेशो सेम आ रहा है। तो ऐसे में उस रेशो को एक नाम दे दिया गया, और वो नाम था मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का। सो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज ए जनरल नेम, एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फ्लक्स टू द ड्राइविंग फोर्स। फ्लक्स और ड्राइविंग फोर्स के रेशो को हमने मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का नाम दिया है। तो ये कैसे पता लगा? एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगा कि ये रेशो हर बार सेम आ रहा है। तो मतलब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो ओरिजिन है वो एक्सपेरिमेंट से आता है, इसलिए इसे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी बोला जाता है ओरिजिन वाइज। तो जो बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट और डिफ्यूजिविटी में, वो है कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी इन ओरिजिन, एंड डिफ्यूजिविटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी बिन ओरिजिन। तो ये था आज का फैक्ट, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मेरी गाइडेंस में गेट की तैयारी करना चाहते हो, तो गाइस, आप अनअकैडमी में आके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और मेरा कोड यूज कर सकते हो, अंकुर073। यस गाइस, ANKUR073। जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे, आप मेरी गाइडेंस के अंदर एनरोल कर जाओगे इन दी अनअकैडमी, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है। अनअकैडमी प्लस में आप मुझसे पढ़ सकते हो। मैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 6 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, आईपीसी, CTMO, NPTE, एंड मैं एक्सक्लूसिवली ये 6 के 6 सब्जेक्ट सिर्फ अनअकैडमी प्लस पर ही पढ़ाता हूँ। तो जब आप आओगे, आपको पता लग जाएगा कि ये 6 सब्जेक्ट्स वहां पर पढ़ने से आपका गेट में कितना बेनिफिट हो सकता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, और किस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं ये शॉर्ट्स बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स क्रैक इट।